हवाई चप्पल पहनने वाला दर्द में चलेगा, भास्कर के छता में आज आना। वो प्रधानमंत्री अब कहा है हवाई चप्पल पहनने वाले की चप्पल ही बेच दी उसने, एयरपोर्ट ही बेच दिया। ये वो व्यक्ति है जब डिब्बे में चाय बेचता था, डिब्बे को बेच दिया, रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, सारी बंदरगाह बेच दी। ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। न तो खालिस्तान बनेगा, न हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? ये बीजेपी नहीं है, एक बिल्कुल निकम्मी सरकार है और लोगों को गुमराह करके सरकार सत्ता ले। सिख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुस्लिम, जब तो ये हिंदुस्तान खतरे में नहीं था और अब ये खतरे में है। आज से 7 साल पहले इस अंबानी को बैंक कर्ज नहीं देते, आज वही अंबानी कर बैंक खरीद रहा है। देश का किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, आदिवासी बर्बाद कर दिया, कमेरा वर्ग बर्बाद कर दिया। बहुत कर्जे के नीचे मजदूर किसान दबे हुआ है। हमारी 90% आबादी तो 23 रुपए में गुजारा कैसे करेगी? प्रधानमंत्री जी के कहने में करने में बहुत अंतर है। अभी दिल्ली के रामलीला मैदान पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरे भारत से तमाम लोग जो हैं, तमाम किसान मजदूर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी मांग को लेके यहाँ पे आए हैं। और आप देख सकते हैं पोस्टर जो है पीछे लगा हुआ है। ये लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए, पूरे भारत के लोग हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं ये सारे लोग जो है हरियाणा से हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सारी मांगे आपकी पूरी हो गई हैं, फिर भी आप यहाँ पे हैं। मैं पहले तो आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, केवल 3 काले कानून सरकार ने बनाए थे उसने वापस ले लिए। लेकिन 1.25 साल पहले हमारे साथ वायदा किया था कि आपको कानूनी MSP की गारंटी देंगे और हर फसल किसान की समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। लेकिन अभी प्याज 2 रुपये किलो, आलू 1 रुपया किलो बिक रहा है, सरसों 4,000 रुपये क्विंटल बिक रही है, जबकि उसका रेट 5,500 का है। कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। हम ये मांग करते हैं कि पूर्ण समर्थन मूल्य दिया जाए, सरकार एक एक दाना किसान का खरीदे, MSP मिल जाएगा, गोदाम में सरकारी में अनाज जाएगा, तो PDS के द्वारा हर जरूरतमंद को सस्ता मुफ्त अनाज मिल सकता है, सबको खाने की गारंटी मिल सकती है। तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? आप लोग कह रहे हैं कि किसान यहाँ पे, आप सारे तमाम लोग जो, तमाम किसान जो है पूरे भारत से यहाँ पे मौजूद है, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हम करेंगे, किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, तो किसका, किसके लिए वो काम कर रहे हैं? आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के नेता है वो। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। मोदी जी काम किसी और के लिए कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। मजदूर को, किसान को कोई भी सहारा नहीं मिल रहा और बहुत कर्जे के नीचे मजदूर किसान दबा हुआ है। मजदूरों को भी 200 दिन की दिहाड़ी मिलनी चाहिए। मनरेगा का बजट 13,000 करोड़ रुपए कम कर दिया। हमारे फर्टिलाइजर पे मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी। जो है प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहे, लगातार आप लोग प्रधानमंत्री पे हमलावर है। विपक्ष जो है वो कहती है लोकतंत्र हम खतरे में है, प्रधानमंत्री जो है अडानी के लिए काम कर रहे, ये सारी बातें जो है। ना तो देश खतरे में है, ना विपक्ष खतरे में है। खतरे में है तो ये राज करने वाले लोग हैं, और इसलिए खतरे में के बिना बहस करे 45 लाख करोड़ रुपए का बजट, जिसमें कटौती की गई किसानों पे मिलने वाले लाभ की, मजदूरों को मिलने वाले लाभ की, PDS प्रणाली पे मिलने वाले रियायत की, और देश के बड़े बड़े संस्थानों को बेच कर खाया जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। डर उन्हें हो रहा है कि राज बदल गया तो हमारा क्या होगा। ना इस देश की जनता डरी हुई है, ना हिंदू डरा हुआ है, ना विपक्ष डरा हुआ है। डर है तो केवल राजसत्ता के लोगों के है। विपक्ष नहीं डरा हुआ है, जनता तो डरी हुई नहीं, क्योंकि जनता को रामराज चाहिए और रामराज मिल गया, राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और क्या चाहिए? मंदिर की हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से राहत चाहिए, हमें सरकारी महकमों का विस्तार चाहिए, फौज में हमारे बच्चों की रेगुलर भर्ती चाहिए, सब रिटायर होने वालों को पेंशन चाहिए, हमारे जितने भी मजदूर किसान रिटायर होते हैं। पर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मंदिर इस देश में पहले भी लाखों हैं, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मंदिर बढ़ने से इस देश की स्थिति नहीं बदलेगी, स्थिति बदलेगी तो मजदूरों को, किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, और जब तक उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे, मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिलेगी,
ये देश में तरक्की नहीं हो सकती, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम, सबके लिए आवास। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी सरकार है, वो कह रही है कि अमृत काल है, ये अमृत काल है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा, आप देखते हो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हाँ विकास है 1% लोगों का, जिनको इस देश की 40.5% संपत्ति मिली हुई है, 10% लोगों का है विकास, जिन्होंने देश के कुल उत्पादन का और कुल संपत्ति का 77% मिला हुआ है। हमारी 90% आबादी तो 23 रुपए में गुजारा कैसे करेगी, और हमारा विकास कहाँ से हो सकता है? हमें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, मिलने वाली सब्सिडियाँ खत्म। आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है झूठे हैं, कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री झूठे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री जी के कहने में करने में बहुत अंतर है। कहते रोजाना हमें कह के गए यहाँ के भाई आपके लिए कमीशन बिठाएंगे, कमीशन बिठा के आपका समर्थन मूल्य देंगे, मजदूरों को अच्छे मजदूरी देंगे, परंतु 2 साल के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ उस बात का, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ बड़े बड़े करोड़ जो घराने हैं उनकी ही पर लगे हुए हैं, जनता आम जनता से कोई वो नहीं, नहीं का कुछ नहीं है मोदी जी का। लेकिन मोदी जी का जो लोकप्रियता है वो पूरे विश्व में है, मोदी जी को पूरे विश्व में पसंद किया जा रहा है। अच्छा भाई, मोदी को पसंद किया जा रहा है, लोकप्रिय नेता है मोदी जी, पसंद है। मगर आप देखते हो संसद में वही गरीब जनता के टैक्स का कितना लाखों रुपए खर्च होता है, आहू करके ये बदमाश लोग एमपी जो बैठे नहीं सारा समय बर्बाद। मोदी जी पसंद है ना आपको? नहीं, मोदी जी पसंद है, कोई नहीं पसंद को नहीं, ये बोल रहे मोदी जी पसंद है। एक मिनट, मोदी जी 2024 में वोट देंगे, बात सुनो, ये इस पर उद्यम राजनीति बना रही है, हम किसान लोग हैं, राजनीति किसान वोट नहीं देता। अरे किसान नहीं देगा क्यों, इसको मिसगाइड करता है कृषि मंत्री महामूर, जिसका कृषि से कोई संबंध नहीं, जो अपना तोमर साहब है इसका खेती से कोई भी संबंध नहीं, जानता ही नहीं खेती क्या है, इसलिए ये मिसगाइड करता है। प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, ये मिसगाइड करने वाले पीछे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री इतने बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं, मिसगाइड होते हैं। दबाव क्या, आप इनके पास से सहमत हैं? इनके पास से सहमत हैं? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, आपने क्वेश्चन किया था कि ये राष्ट्र इंदू राष्ट्र, एक बात, और दूसरी बात खालिस्तान, ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, ना तो खालिस्तान बनेगा ना इंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे बनेगा इंदू राष्ट्र? मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं मेरे से चेताता हूँ, मेरी कास्ट जाट है, जाट, और हम जाट मुस्लिम भी जाट हैं, और ये ईसाई भी जिट्टू है, जिट्टू, और सिख भी जाट है, और हिंदू भी जाट है, कैसे बनाएगा ये, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएगा, क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है ये? ये है सारी 2024 के इलेक्शन का प्रोपगंडा है, इन्होंने तो जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, अगर ये अभी इनकी दार ना करे तो भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाना, ये बीजेपी नहीं, एक बिल्कुल निकम्मी सरकार है, और लोगों को गुमराह करके सरकार सत्ता ले सत्ता। हम लोग कह रहे हैं कि गुमराह कर रही है बीजेपी, लेकिन आप ही लोग तो उसका समर्थन कर रहे हैं, रामराज का समर्थन कर रहे हैं। हमने तो कभी ऐसे वो जीत रहे हैं, हमने तो इसका कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन बोरी जनता को ये बकाया के फुसला के, और 2 बार ये वोट ले चुके, लेकिन अब की बार इनको वोट नहीं मिलेगा, चाहे ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको वोट नहीं मिलेगा। जनता का 100% मन बीजेपी से दूर हो चुका है, बिल्कुल 2024 में बीजेपी नहीं होगी, देखने को नहीं मिलेगी बीजेपी। नहीं नहीं, ये तो मोदी जी से बहुत एंटी है, तो पहले से एंटी। आप गुमराह करते हो, मतलब बात सुनिए, एक मिनट, हम लोकसभा के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, जी आवारा कर 540 एमपी बैठे, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं? हाँ हूँ करते हैं, लोकतंतर खतरे में कैसे? एक मिनट सुन, अब्दुल कलाम, एक भाई साहब थम जा कर यार, अब्दुल कलाम कौन था? अब्दुल कलाम मुस्लिम था और राष्ट्रपति था, और उस टाइम देश का प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह, सिख था, जब भी हिंदू खतरे में नहीं था, सिख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुस्लिम, जब तो ये हिंदुस्तान खतरे में नहीं था, और अब ये खतरे में है, जबकि वो कह रहे कि मैं हिंदू राजा हूँ, अब खतरे में कैसे हिंदू? ये सब गुमराह करने की बात है, झूठी है। लोग बार बार लगातार जो है मोदी सरकार पे हमला कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। मेरी बात सुन, कौन कहता है मोदी सरकार गरीबों की है? अनिल अंबानी, जिन बैंक कर्जा नहीं देते थे, आज से 7 साल पहले इस अंबानी को बैंक कर्जे नहीं देते थे, आज वही अंबानी बैंक खरीद रहा है, एयरपोर्ट खरीद रहा है, रेलवे खरीद रहा है, पूरे भारत को खरीद लिया। कौन करेगा किसानों की हक की बात? ये समूह जी की देन है। कौन करेगा किसानों की हक की बात?
किसानों के हक की बात किसान का ही बेटा करेगा, जो किसान का कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, रिटायर फौजी जितने जो रिटायर फौजी आए हैं हम उनकी सरकार जाएंगे, किसान उनके सरकार जाएंगे, हम रिटायर फौजियों को चुनाव में जाएंगे। देखिए बहन जी, इस देश के 140 करोड़ लोग वही फैसला करते हैं इस देश की किस्मत का। आज सारे के सारे इस व्यक्ति से नाराज हैं, इसकी सरकार से, पॉलिसियों से। मीडिया में दिखाया जाता है टीवी चैनलों पे कि मोदी जी जो है सबसे लोकप्रिय नेता है, विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहे भारत का, और आज हमारे होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री जी जो है वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए आएंगे तो मोदी जी ही आए। देखिए जो चैनल और सारे न्यूज़पेपर हैं ये उद्योगपतियों के हैं, वो तो कहेंगे कि मोदी जैसा दुनिया में कोई नहीं है, जबकि किसान और मजदूर, छोटा व्यापारी और कर्मचारी जानता है कि इस आदमी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, देश का किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, आदिवासी बर्बाद कर दिया, कमेरा वर्ग बर्बाद कर दिया, सारे नौजवान बेरोजगार हो गए। देश विकास किसका हो रहा है? विकास केवल 1% लोग जो हैं उन पे 64% संपत्ति है, 1% इस देश के लोगों पे 64% संपत्ति है, उनका विकास हो रहा है। 99 प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री का तो ना अपना परिवार है, वो तो सब कुछ जनता के लिए। बताऊंगा, प्रधानमंत्री को उनका हवाई जहाज फ्री में मिलता है, प्रधानमंत्री को उसके पैसे मिलते हैं, प्रधानमंत्री उनसे हर चीज लेता है सुविधा की, जो जनता में मिसगाइड करने के लिए यूज करता है। प्रधानमंत्री तो जनता के लिए अपना परिवार त्याग दिया। नहीं, जो प्रधानमंत्री, एक मिनट, जो प्रधानमंत्री हवाई चप्पल पहनने वाला दाद में चलेगा, बात करके सत्ता में आ जाना, वो प्रधानमंत्री अब कहाँ है? हवाई चप्पल पहनने वाले की चप्पल ही बेच दी उसने, एयरपोर्ट ही बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, करीब कहाँ हवाई जहाज में वो करेगा? ये सारी प्रधानमंत्री उठा एकदम। महिलाओं के लिए बस फ्री दे रहे हैं जी, महिलाओं को घूमने के लिए बसें फ्री दे, महिलाओं की सुन ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस दिल्ली की कह रहा हूँ मैं, इस दिल्ली में एक लड़की को 8 किलोमीटर तक घसीट के कार ले गई, कहाँ महिला सुरक्षित है? आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय इस सरकार में हुआ है। और जहां मोदी जी की बात कहती हो ना, ये जब बचपन में चाय बेचता था डिब्बे में, आज डिब्बे को ही बेच दिया। ये वो व्यक्ति है जब डिब्बे में चाय बेचता था, आज डिब्बे को बेच दिया, रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, सारी बंदरगाह बेच दी। जो भी मोदी के पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा उस अच्छे आदमी को जिताएंगे, और बाद में फिर अच्छे लोग जब जीत के आएंगे तो देश का प्रधानमंत्री भी अच्छा बनेगा। तो आपने इन लोगों की बातें सुनी, लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के लिए जो गुस्सा, प्रधानमंत्री के लिए जो गुस्सा है आप लोगों ने देखा, और ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम राज्य से लोग हैं, लेकिन किसी ने भी प्रधानमंत्री को अगली बार वोट देने से सहमत नहीं है। कोई भी नहीं कह रहे हैं कि हम 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप लोगों की इस पूरी वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।